द लास्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नाउ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जो वाटर मॉलिक्यूल्स, एक होता है कि अगर हमने किसी एक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। बट अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट, अगर किसी सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही वाटर मॉलिक्यूल्स एक पार्ट है, ठीक है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ही वो बना रहे हैं, उसमें वो है, उसमें उसको कंबाइन कर रहे हैं, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल एक सब्सटेंस को वाटर में ऐड करना इज डिफरेंट, बट अगर किसी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही वाटर इन्वॉल्व हो, उसके साथ वाटर जो है वो बाउंड हो, तो उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहा जाता है, जिनमें नहीं होता उनको एनहाइड्रस सॉल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, उसके क्रिस्टल्स में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं CuSO4.5H2O, मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें ये जो 5H2O है, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, इससे हम ये नहीं कह रहे कि कॉपर सल्फेट और वाटर का एक सोल्यूशन है, बट कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर ही देर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, सिमिलरली वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O, इट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें। CaSO4 2H2O, जिप्सम, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, it has got 2 water of crystallization and it is called calcium sulfate decahydrate ya phir dehydrate। theek hai, decahydrate matlab 2, jisme 2 molecules hote hain water of crystallization। FeSO4 7H2O, isme 7 hai, it is called iron sulfate heptahydrate, hepta is having 7 molecules of water। theek hai, 5 थे कॉपर सल्फेट में तो वो पेंटाहाइड्रेट, 10 थे हमारे पास Na2CO3 में तो वो डेकाहाइड्रेट, 2 है तो ये डाइहाइड्रेट, 7 है तो हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में और एक एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंस ये है, एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर होता है वो एज अ सॉल्वेंट होता है, उसमें हम किसी चीज को ऐड करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके क्रिस्टल का एक पार्ट होता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर।